भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालु। आज मैं लगातार दूसरे दिन तेलंगाना में हूं। जितना उत्साह मैं तेलंगाना के लोगों में बीजेपी के लिए देख रहा हूं, उतना ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। आपके इस स्नेह को मैं, आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में दो गुना करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ईदी मोदी गारंटी, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति अये गारंटी। और साथियों, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने आपसे कहा था कि हम सब मिलकर भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाई छू रहा है। और मैंने देखा है कि विदेशों में हमारा जो डायस्पोरा है ना, इसमें हमारे तेलुगु भाषी बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये हमारे तेलुगु भाषी आज दुनिया में जब वो कहते हैं ना मैं हिंदुस्तान का हूं, उसका भी डंका जम जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? साथियों, हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, कही थी आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही है और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में, इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया?
गौरव से किया कि नहीं किया, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने किया कि नहीं किया, पूरे भारत ने किया कि नहीं किया, दुनिया भर में भारतीयों ने किया कि नहीं किया, मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई। मोदी ने आपसे कहा था कि भारत आर्थिक तरक्की का नया अध्याय लिखेगा। आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास होने वाली, विश्व की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? अब मैं आपको ये पूछूं, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए, आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और ये वादा भी पूरा होगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति है ये गारंटी। साथियों, आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता,
जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं, उसके उल्टा क्या कहते हैं, ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना ना, तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं, मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको उठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी, मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना सरकार से, जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं, और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशा खाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे
मां गंगा की सेवा में लगा देता है। आपको जानकर के खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है, इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं, वो कहते भाई मंच पर दिया था वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। साथियों, उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहां करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए। ये फर्क है, इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया, उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। उन्होंने, परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं। और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। इसलिए बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी
मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं, नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने 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 नेने। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राह पर चल रहा है। हम हर राज्य का विकास चाहते हैं ताकि देश का विकास हो। हम पहले के मुकाबले तेलंगाना के विकास के लिए ज्यादा राशि दे रहे हैं। अभी मैंने तेलंगाना के लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर बनाने और उनके सपने पूरा करने का जरिया बनेंगे। तेलंगाना के युवाओं के ये सपने ही आपके सपने ही, आप सबके सपने ही, आप मेरे परिवारजनों के सपने ही, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। साथियों, महिला, दलित और किसानों का हित हमेशा से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना तक, नल से जल से लेकर आयुष्मान भारत तक, हमारी हर योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को हुआ है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर गरीबों को दिए गए हैं, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। दलितों और अति पिछड़ों के लिए भी इन 10 वर्षों में जितना काम हुआ उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ है। स्कॉलरशिप देकर, कौशल विकास करके, मुद्रा योजना का लाभ देकर बीजेपी सरकार ने करोड़ों दलित बच्चों का सपना पूरा किया है। और आपको याद होगा, मैंने तेलंगाना में आकर के कहा था, और मैं गारंटी वाला व्यक्ति हूं, गारंटी पूरा करना जानता हूं। मैंने कहा था कि मादिगा समुदाय के लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए बीजेपी हर संभव मदद करेगी, और तभी हमने इसके लिए एक हाई लेवल पैनल भी बनाया था। इस पैनल ने लगातार मादिगा समुदाय के अनेक लोगों से मुलाकात की है,
विचार विमर्श किया है, उनकी समस्याओं को समझा है और समाधान निकालने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के किसानों के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के धान और कॉटन की खरीदी की है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष हरेक किसान परिवार को 6,000 रुपए की मदद भेजी जा रही है। साथियों, मोदी तेलंगाना के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह भी कराना चाहता हूं, तेलंगाना में बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है, घोटाला बंधन है उनका। गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए, बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे, लूटे कि नहीं लूटे, लूटे कि नहीं लूटे। लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई, चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिलेगा ना, भरपूर मिलेगा ना, जी भर के मिलेगा ना, दिल खोल के मिलेगा ना। और इसीलिए तो तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार
నాగులు వన్నెలు దాటాలి నాగులు వన్నెలు దాటాలి బీజేపీకి ఓటు వేయాలి मुझे विश्वास है कि तेलंगाना विकसित भारत के निर्माण के लिए जी भर करके हमें अपना आशीर्वाद देगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, दस ग्यारह बजे इतनी बड़ी रैली करना आसान बात नहीं है। मैं तेलंगाना बीजेपी को भी बधाई देता हूं और तेलंगाना के मेरे भाई बहनों को भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। वंदन समर्पण सिद्धिपेट जिला अध्यक्ष मोहन रेड्डी गारिनि कोरुता हूं।